दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी लोग तीज के त्योहार को मनाने के लिए उत्सुक है। सिंघानिया परिवार से लेकर गोयनका परिवार में इस त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और वही कार्तिक से तलाक ले चुकी नायरा ने भी उसके लिए तीज का व्रत रखा है। उसे 2 साल तक तीज का व्रत ना रख पाने का मलाल है और अब वह अपने घर वालों से छिप कर ये व्रत रख रही है। पिछले दिनों देखा गया कि नायरा और कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब वह दोनों ही एक बार फिर से अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें अपने परिवार को इस बात के लिए मनाना है, क्योंकि दोनों के परिवार वाले ये नहीं चाहते हैं कि तलाक के बाद किसी भी मौके पर दोनों का आमना सामना हो। बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि व्रत रखने की वजह से कीर्ति को कमजोरी महसूस होगी और वह बेशुद्ध होकर घर की सीढ़ियों से गिर जाएंगी। अब एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की माने तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कीर्ति माँ बनने वाली है। ये सुनकर सिंघानिया परिवार के साथ साथ नक्श की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा।